आज हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन मेथड की। इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, इनहिबिशन, इनएक्टिवेशन और तीसरा है एवॉइड रिकंटामिनेशन। अब तीनों के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको बता देते हैं। एवॉइड रिकंटामिनेशन के अंदर में पैकेजिंग को डेवलप करके हम रिकंटामिनेशन को एवॉइड कर सकते हैं, हाइजीनिक प्रोसेसिंग के द्वारा, हाइजीनिक स्टोरेज के द्वारा, एसेप्टिक प्रोसेसिंग के द्वारा, है सब के सिद्धांतों को फॉलो करके और राइट प्रैक्टिसेस डेवलप करके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आईएसओ 9000 टीक्यूएम के सिद्धांतों पे चल के हम रिकॉन्टामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इन एक्टिवेशन, इसके अंतर्गत में स्टेरलाइजेशन आता है, पैश्चराइजेशन आता है, इरेडिएशन आता है, इलेक्ट्रीफाइंग आता है, प्रेशर ट्रीटमेंट आता है, ब्लांचिंग, कुकिंग, फ्राइंग, एक्सटॉर्शन, लाइट साउंड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके, और तीसरा है इनहिबिशन। इसके अंदर में लो टेम्परेचर स्टोरेज कर देना, रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी AW को रिड्यूस कर देना, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिफिकेशन, फर्मेंटेशन, प्रिजर्वेटिव ऐड करना, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना, कंट्रोल ऑफ pH, फ्रीजिंग, ड्राइंग, कंसंट्रेशन को डेविएट कर देना, सरफेस कोटिंग डेवलप कर देना, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर देना, केमिकल मॉडिफिकेशन कर देना, गैस रिमूवल कर देना, चेंजेस इन फेज ट्रांजिशन, हर्डल टेक्नोलॉजी। होपफुली ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगा फ्रेंड्स। इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।